के खासदार अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेते व खासदार श्री राहुल जी गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज दिनांक 2 अगस्त 2024 को भिवंडी स्थित जकात नाका कांग्रेस के जिला कार्यालय पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग जव्वाजी चिखलेकर के नेतृत्व में व उनके प्रमुख उपस्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के खासदार अनुराग ठाकुर और बीजेपी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी से अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस भिवंडी शहर अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित थे। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग जव्वाजी चिखलेकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खबर में। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ने जो हमारा जो जनजाति गणना का जो बात किया है, क्योंकि इन लोगों को डर लग रही है कि जनजाति गणना से इनका नुकसान हो रहा है। इनको क्यों डर लगी है? अनुराग ठाकुर जी को इनकी लायकी भी नहीं है बोलने की, हमारे राहुल गांधी जी को जात का बारे में बोलने के लिए। हम उनका निषेध करते हैं और राहुल गांधी जी ने बोला है कि इनको माफ़ी मांगने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम ऐसे लोगों से माफ़ी, हम तुमको जितना हमारे बारे में विरोध करना है, कुछ भी बोलना है, हम डरेंगे नहीं। हमारा जो संघर्ष है, राहुल गांधी जी ने जो बोला है, वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा और जनजाति गणना का हमारा सरकार आने के बाद बना के नहीं रहेगी, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके बारे में मैं वापस अनुराग ठाकुर इनका निषेध करता हूँ। इनकी लायकी नहीं है बोलने की राहुल गांधी के सामने। ये मोदी जी के पिल्लू है, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिल्लू रखे गए हैं, ये पिल्लू का कुछ चलने वाला नहीं है। और आने वाले 3 महीने या 6 महीने में देखो, ये केंद्र सरकार गिरने वाली है।